नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे थे। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि क्या रीज़न था जिस वजह से इस चैनल पर मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक बहुत ही दुखद रीज़न है, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने मेरे ही लाइफ को बदल के रख दिया है। बट एनीवेज, अब से काम चालू हो चुका है और आपको रेगुलरली ऑटोमोटिव एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। साथ में ही आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कठिन समय में भी मेरे को सपोर्ट करते रहे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निसान मैगनाइट एंड किया सोनेट के बारे में। दोनों ही कार्स जो हैं सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में नए एंट्रेंट हैं। हालांकि निसान ने अभी तक मैगनाइट को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हमने ऑलरेडी जो है इस कार को देख लिया और हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है कि ये कार जो है क्या पैकेज ऑफर करने वाला है। अगर आपने निसान मैगनाइट के फर्स्ट लुक वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर उस वीडियो को देखें। वहीं अगर हम बात करते हैं किया सोनेट की, तो अगेन लेटेस्ट एंट्रेंट है, बिल्कुल नई लॉन्च है और लॉन्च होते ही किया को जो है एक बेहतरीन रिस्पांस मिला है मार्केट से। वो 50,000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुके हैं, तो ओवरऑल एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट अभी तक देखने को लग रहा है किया सोनेट। अब आज हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दोनों कार्स का। निसान मैगनाइट का जो ड्राइव है वो अभी तक नहीं हुआ है, जब ड्राइव होगा तो हम उस पर जो है एक डिटेल अलग से ड्राइव वीडियो लेके आ जाएंगे। दोनों ही कार्स जो हैं अपने सेगमेंट में बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइंस के साथ आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैगनाइट की, तो निसान ने जो है इसको एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ लेकर आई है। थोड़ा सा डैचनिस फील आपको लगेगा, बट देन जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लुक वाले वीडियो में बताया था कि इनिशियली प्लान था कि निसान इसको डैटसन ब्रांड के अंदर लॉन्च करेगी, बट देन बाद में डिसाइड किया गया कि इसको हम लॉन्च करते हैं निसान ब्रांड नेम के अंदर। ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है निसान मैगनाइट, एंड मुझे लगता है कि क्योंकि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, या सोनेट और निसान मैगनाइट में आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोनों ही कार्स के इंटीरियर का जो लेआउट है वो अच्छा है। डेफिनेटली अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो यहाँ पे जो किया सोनेट है वो मच बेटर फिट एंड फिनिश के साथ आता है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक क्वालिटी की, ओवरऑल फिट एंड फिनिश की, तो आपको मैगनाइट से ज़्यादा बेहतर लगेगी किया सोनेट की। निसान मैगनाइट की भी प्लास्टिक क्वालिटी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सोनेट से या फॉर दैट मैटर वेन्यू या नेक्सॉन से भी, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगेगी निसान मैगनाइट के ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी में। एक चीज़ दोनों ही कार का बहुत अच्छा है, दैट इज स्टोरेज स्पेसेस एंड प्रैक्टिकलिटी। बहुत ही प्रैक्टिकल कार है, आपको स्टोरेज स्पेसेस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड एर्गोनॉमिक्स वाइज भी जो है आपको दोनों ही कार्स अच्छी ही लगने वाली है। तो निसान ने यहाँ पे मैगनाइट में डेफिनेटली अच्छे फीचर्स दिए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रियल किंग अगर हम कहें तो वो डेफिनेटली है किया सोनेट। सोनेट में आपको बेहतरीन कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक सेगमेंट ऊपर के कार्स में ही देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल आपको फीचर्स वाइज सोनेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं कुछ टॉप हाईलाइट फीचर्स की बात करूँ, लाइक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सभी तमाम चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको मिल जाएंगे किया सोनेट में। मैगनाइट में अगेन आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक एसी है, एयर प्यूरीफायर दिया गया है, इसके अलावा आपको एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा सनरूफ नहीं है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है, जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी एक स्मॉलर यूनिट है व्हेन कंपेयर्ड टू द किया सोनेट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कमी लगेगी अगर आप कंपेयर करते हैं इसको किया सोनेट से, लेकिन वही मैगनाइट में भी जो है अच्छा खासा फीचर मिल जाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा स्पेस की। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो किया सोनेट जो है ठीक ठाक स्पेस के साथ आता है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवर दी टॉप स्पेशियस कार नहीं है। अभी तक निसान ने जो ऑफिशियली हमें नहीं बताया है कि क्या डायमेंशंस हैं मैगनाइट के, लेकिन आपको मैगनाइट में भी स्पेस की एज सच कमी नहीं होगी। कि पीछे 3 लोग तो शायद आराम से ना बैठे, लेकिन हाँ 2 लोग और एक अगर बच्चा भी बैठता है तो आराम से उस मैगनाइट में बैठ सकता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो मैगनाइट में 336 लीटर का बूट स्पेस है। बूट का डिज़ाइन भी जो है बढ़िया है, लेकिन वही सोनेट जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस के साथ आता है। 392 लीटर का सोनेट का बूट स्पेस है, तो वो अगर आप बूट स्पेस को लेकर ज़्यादा कंसर्न है तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलेगा किया सोनेट में।
अगर इंजन्स की बात की जाए तो डेफिनेटली किया सोनेट जो है वो आपको ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे ऑफर करता है। एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन है, साथ में ही एक डीजल इंजन भी है एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको ऑफर किया जाता है विद दी किया सोनेट। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वहाँ पे आपको एक 7 स्पीड DCT या फिर एक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। जो कन्वेंशनल मैनुअल ट्रांसमिशन है अभी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ किया ऑफर नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आने वाले टाइम में इसमें आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं निसान मैग्नाइट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक हमें इस गाड़ी को चलाने का मौका नहीं मिला है, तो ड्राइव रिव्यू हम अलग से लेकर आएंगे। अभी यहाँ पे निसान ने जो है ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन या पावर फिगर्स रिवील नहीं किए हैं ऑफ द निसान मैग्नाइट, लेकिन निसान भी जो है मैग्नाइट को ऑफर करने वाला है विद अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड पावर फिगर्स है वो स्लाइटली कम होने वाले हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द किया सोनेट। पहली बार आपको एक CVT ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब ये एक डेफिनेटली काफी बढ़िया बात होने वाली है, बिकॉज अभी अगर आप देखें तो या तो आपको DCT गियर बॉक्सेस मिलते हैं या फिर AMT जो है वो आपको पता ही है उतना ज्यादा सुपीरियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। बाद अगर आप DCT की बात करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टलियर साइड में चला जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिल जाएगा Hyundai Kia ग्रुप के कार्स में। तो यहाँ पे एक चीज डेफिनेटली जो निसान मैग्नाइट के फेवर में जाती है वो है एक CVT ट्रांसमिशन। AMT से डेफिनेटली काफी ज्यादा सुपीरियर गियर बॉक्स है। एंड अगेन परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं तो हमने इसके पहले जितने भी Renault Nissan के CVT गियर बॉक्स वाले कार्स को चलाया है वो गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहती है। तो यहाँ पे जो है हम बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट एक अच्छा CVT गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ निसान मैग्नाइट वर्सेस किया सोनेट की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैग्नाइट के सक्सेस में वो होगी इसकी प्राइसिंग। अब इसमें ऑल इन जा चुकी है निसान, क्योंकि इसमें डिज़ाइन अच्छा दिया है, फीचर्स अच्छे दिए हैं। पिछले रिसेंट पास्ट में जितने भी निसान के कार्स हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हैं मैग्नाइट को, तो डेफिनेटली ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा एक बेटर पैकेज के रूप में निकल के आ रही है। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो एक्सपेक्टेड कि समवेयर अराउंड 5.3 लाख की कीमत पे एक शोरूम लॉन्च किया जाएगा मैग्नाइट को। अगर इस कीमत में मैग्नाइट को लॉन्च किया जाता है देन डेफिनेटली ये एक बेहतरीन पैकेज होने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की, या अगर हम बात करते हैं प्रीमियमनेस की एंड ऑल्सो इंजन के वैरायटी की, तो यहाँ पे किया सोनेट जो है वो एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट निकल के सामने आ रही है। फिर भी मैं एग्जैक्ट वर्डिक्ट को अभी होल्ड करूंगा अगले वीडियोस के लिए, जब तक मैं निसान मैग्नाइट को चला ना लूं और इसकी प्राइस को जो है लॉन्च नहीं कर दिया जाता। ऑफिशियल लॉन्च समवेयर अराउंड 2021 के फर्स्ट हाफ में होने वाला है एंड तब तक डेफिनेटली अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो किया सोनेट को भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप किसी भी तरीके से निराश नहीं होइएगा। किया सोनेट पे मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके जरूर ऊपर कार्ड्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं लिंक्स दे दूंगा, जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगा अबाउट दी किया सोनेट। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके ओपिनियंस क्या है अबाउट द निसान मैग्नाइट एंड किया सोनेट। विद दैट सेड गाइस, आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट सीरियस ऑन ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।